हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ प्राइमर की बारे में बात करने के लिए। हाँ, प्राइमर क्या है, कैसे यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए प्राइमर, तो ये सारे के सारे बात मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगी। अगर पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं बताती हूँ प्राइमर क्या है। प्राइमर है एक बेस, फाउंडेशन बेस। फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है और उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना भी ज़रूरी है। उसके ऊपर से प्राइमर लगाना भी ज़रूरी है। उससे हमारे स्किन बहुत इवन दिखता है। स्किन में अगर छोटा छोटा डार्क स्पॉट है वो भी पूरा के पूरा वैनिश हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि प्राइमर यूज़ करने से स्किन में एक अलग सा चमक आ जाते हैं, पूरा का पूरा इवन टोन दिखता है, स्किन में ग्लॉसी फिनिश आ जाते हैं। और साथ ही साथ स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उन लोगों को तो प्राइमर यूज़ करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमर यूज़ करने से वो जो ऑयलीनेस है वो एकदम नहीं लगते हैं। स्किन केकी लगने का कोई चांस नहीं है। कई कबार हमारे फाइन लाइन्स के प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम, या फिर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो वो सारे प्रॉब्लम अगर है तो फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगाना सबसे ज़रूरी है। प्राइमर है फाउंडेशन बेस। हाँ, कई कबार लोग ये पूछते हैं कि फाउंडेशन से तो स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइमर का क्या ज़रूरत है। प्राइमर का ज़रूरत है क्योंकि अगर प्राइमर लगाओगे ना तो स्किन एकदम इवन हो जाएगी और हमारे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। मेकअप जो मेल्ट हो जाते हैं कई कबार, बहुत ही गंदा दिखता है, वो होने का चांसेस नहीं रहेगी। तो प्राइमर यूज़ करना ज़रूरी है। और अभी आ जाती हूँ प्राइमर को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट में मैंने बताई, फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए। फेस वॉश से अगर हो सकते उसके बाद क्लींजर से भी क्लीन कर लीजिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, उसके बाद प्राइमर अप्लाई कीजिए। तो आपके स्किन ऐसे इतना इवन लगेगी कि फाउंडेशन, उसके बाद फाउंडेशन या फिर कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाइए, उसके बाद कोई मेकअप और ज़्यादा मेकअप करने का ज़रूरत नहीं है। आपके स्किन ऐसे ही ग्लो करेगी। हाँ, ये सच है। कई कबार छोटे मोटे पार्टी में सुबह सुबह हम लोग जाते हैं तो उस टाइम के लिए प्राइमर अप्लाई कीजिए, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बीबी या सीसी क्रीम अप्लाई कर लीजिए और चले जाइए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगाई हो ऐसा फील आएगी, और ऐसा भी नहीं है कि मेकअप हमारा केकी हो गए है, पैची दिख रहा है, बहुत ही ऑयली। ये सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन है प्राइमर। तो प्राइमर लगाना सबसे ज़रूरी है मेकअप करने का टाइप। तो चलिए आज के प्राइमर में कौन सा वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ उसको देख लेती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ लैक्मी 9 to 5 इनफॉलिएबल मैटिफाइंग बेस प्राइमर। ऐसे ही पैकेजिंग में आते हैं। लैक्मी 9 to 5 के हर एक प्रोडक्ट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट प्राइमर है। स्किन ऑयली लगने का एकदम चांस नहीं है, लेकिन स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी और साथ ही साथ आपके मेकअप बहुत ही फिनिशिंग टच एक आ जाएगी और साथ ही साथ इवन लगेगी आपके स्किन। ये प्राइमर यूज़ करने से स्किन ग्लॉसी नहीं लगेगी, लेकिन स्किन बहुत ज़्यादा मैट लुक क्रिएट कर देगी। तो चलिए अभी पैकेट को ओपन करते हैं। और इसका प्राइस है बस 499 रुपीज़। तो ये एकदम पॉकेट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट है, क्योंकि प्राइमर बहुत सारे हाई रेंज में आते हैं, लेकिन ये बस 499 रुपीज़ में है। और ये मैट फिनिश देते हैं, लेकिन एक जेल बेस प्राइमर है। देख लीजिए ऐसा ही पैकेजिंग है। तो अभी इसको मैं यूज़ करूँगी। अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो ये डार्क सर्कल जो कवरेज देता है वो कवरेज करने में भी प्राइमर मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारा आइटम हम लोग आई साइड में अप्लाई कर लेते हैं और उसके कारण रिंकल्स, फाइन लाइंस ऐसा दिखता है। लेकिन हमारी स्किन में रिंकल्स नहीं है, फाइन लाइंस भी नहीं है, लेकिन मेकअप करने का कारण ऐसा दिखता है। तो उस टाइम में अगर पहले प्राइमर लगा लेंगे ना तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बहुत ही कम क्वांटिटी में ले लीजिए और उसके बाद डॉट डॉट करके आपके स्किन में अप्लाई कीजिए। कोई कलर नहीं है, एकदम जेल बेस है, लेकिन लगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना अच्छा चमक रहा है। ऐसे
हाँ अभी और थोड़ा क्वांटिटी में ले लूंगी क्योंकि मैं आईलिड्स पे भी अप्लाई करूंगी। ऐसे आईलिड्स पे भी अप्लाई कर लीजिए। देख लीजिए स्किन बहुत ज़्यादा इवन लगेगी और मेकअप बहुत अच्छे से फिनिशिंग टच आ जाएगी। ऐसे ही पूरा के पूरा फेस पे प्राइमर को अप्लाई कर लीजिए। फेस एंड नेक को भी मत भूलिए, उस एरिया पे भी अप्लाई कर दीजिए ऐसे। देखिए स्किन कितना अच्छा इवन लग रही है, ऐसा एक चमकदार स्किन बस प्राइमर यूज करने से ही आ गए है। तो अगर बेस ठीक ठाक है ना तो उसके ऊपर फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम कुछ भी अप्लाई करने से एक अच्छा खासा मेकअप लुक आप लोग क्रिएट कर पाओगे। तो यही है प्राइमर की काम। तो यही रही मेरी आज की लैक्मी 9 to 5 इनफॉलिएबल मैटिफाइंग बेस प्राइमर की रिव्यू। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये ऑल टाइप ऑफ स्किन है, ऑल टाइप ऑफ स्किन वाले लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही है मेरे आज के रिव्यू। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।